भारतीय इतिहास की शुरुआत ही संघर्षों, लड़ाइयों और महाभयानक युद्धों से हुई। कईयों महायोद्धाओं ने इस भूमि को अपने खून से सींचा है। हजारों लाखों की सेनाओं के अरमान इस भूमि के सामने नेस्तनाबूद कर दिए गए। अंत में वही हुआ जिसकी ताकत उसकी सत्ता। भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करने के लिए कई तलवारें उठी तो कई वक्त के दायरे में सिमट गई। आइए आज हम उन विशाल साम्राज्यों से रुखसत होते हैं जिन्होंने भारत पर अपनी हुकूमतें कायम की और अपने विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य अब तक भारत का सबसे विशाल साम्राज्य रहा जिसने सीधे अखंड भारत पर शासन किया। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब के यवनों की सेनाओं को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वहीं से उन्होंने मगध पर सीधा हमला करके अपना अधिकार स्थापित किया। मगध विजयी के बाद मौर्य साम्राज्य लगातार अपनी बुलंदियों पर पहुंचता गया। सम्राट अशोक के काल में तो मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। मौर्य साम्राज्य दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैला एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला मौर्य साम्राज्य आज के भारत से भी कई विशाल था। उस काल में मौर्य साम्राज्य की जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ हुआ करती थी, जो उस समय संसार की कुल जनसंख्या का 33% हिस्सा हुआ करती थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की टक्कर बाबर से हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इस जीत के साथ ही दिल्ली में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे आम बोलचाल में सल्तनत मुगलिया कहा जाता था। अकबर के काल में मुगल सल्तनत ने विस्तार करना शुरू किया, जो औरंगजेब के समय तक अपनी बुलंदियों पर रही। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल सल्तनत का पतन होना शुरू हो गया। साल 1857 में मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद करके रंगून भेज दिया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। 40 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले मुगल सल्तनत की राजधानी दिल्ली और आगरा हुआ करती थी। गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में भारत का व्यापार अपने चरम पर पहुंच गया था। गुप्त साम्राज्य के काल में सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को शुद्ध करके वापस लिखवाया गया। गुप्त काल में भारत के व्यापार के बदले अपार सोना आने लगा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद विदेशी राष्ट्र भारत के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोलने लगे, तभी गुप्त वंश का उदय हुआ। साल 240 ईस्वी में श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। इसी साम्राज्य के चौथे शासक समुद्रगुप्त थे, जिन्होंने भयानक युद्धों का शंखनाद किया। समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को एक साथ युद्ध में धराशायी कर दिया था। समुद्रगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हुआ, जिसके बाद इस वंश में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का जन्म हुआ, जिसने हूणों पर लगातार हमले किए और अपने वंश और साम्राज्य को उन्नति पर पहुंचा दिया। 255 सालों तक भारत में एक छत्र शासन स्थापित करने वाले गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। चोल साम्राज्य। दक्षिण भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक चोल साम्राज्य की स्थापना 848 ईस्वी में विजयपाल चोल द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य के महायोद्धा राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य को अपनी बुलंदियों पर पहुंचाया। इन्होंने दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर में एक छत्र शासन स्थापित किया था। इनके शासनकाल में चोल साम्राज्य भारत से ज्यादा भारत के बाहर फैल गया था। चोल साम्राज्य ने 400 सालों तक लगातार शासन किया। माना जाता है कि चोल साम्राज्य के पास 10 लाख की विशाल सेना थी, जो सभी राष्ट्रों में चोल साम्राज्य का झंडा लेकर तैनात रहती थी। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लगातार 5 वंशों ने दिल्ली पर हुकूमत कायम की, जिसे दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद के नाम से जाना जाता है। साल 1206 के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। यहीं से दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की शुरुआत हुई, जिसने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया।
गुलाम वंश के तुरंत बाद 1290 में खिलजी वंश सत्ता में आया, जिसने मध्य भारत पर हमले करने शुरू किए, पर यह मध्य भारत को दिल्ली के छत्र के नीचे लाने में नाकामयाब रहे। लेकिन मालवा और देवगिरी पर इनके हमले सफल हुए, जहां से अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में बेसुमार दौलत लूटी गई। इसी दौरान अलाउद्दीन का काफिला वारंगल की तरफ से निकला, जहां से अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा मिला था। खिलजी वंश के दमन के बाद साल 1320 में तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सत्ता संभाली। तुगलक वंश को इतिहास का सबसे कट्टर वंश माना जाता है। इनके फरमान हमेशा जनता के दमन के लिए होते। साल 1390 आते आते फिरोज शाह तुगलक की मौत हो गई। इसके बाद तुगलक वंश सत्ता के लिए आपस में ही लड़ने लग गए। इसी मौके के इंतजार में बैठे तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला कर दिया। तैमूर की भयानक सेना को देखकर महमूद तुगलक गुजरात भाग गया और इसी तरह तुगलक वंश समाप्त हो गया। तुगलक वंश खत्म होते ही साल 1414 में सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर फिर से हुकूमत कायम कर दी। इसके बाद साल 1451 आते आते अफगानिस्तान के लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर एक और नई हुकूमत कायम कर दी। इस तरह दिल्ली सल्तनत के काल में कोई स्थायी शासन स्थापित नहीं हो सका और भारत की सत्ता खंड खंड हो गई। और अंत में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदानों में हरा कर मुगल सल्तनत की नींव रख दी। मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य इतिहास के पन्नों में 25 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल के साथ अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। साल 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिनका मुख्य उद्देश्य स्वराज्य की स्थापना करना था। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने कई सालों तक मुगल साम्राज्य को सीधी टक्कर देते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1720 से 1740 तक पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैलने लगा। मराठा साम्राज्य के फैलाव के साथ ही हिंदुस्तान में स्वराज्य की स्थापना होने लगी। मराठा साम्राज्य ने 144 सालों तक लगातार शासन किया। मराठा साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी। साल 1818 आते आते अंग्रेजों की कुटिल संधियों के चलते मराठा साम्राज्य समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कुजुला को माना जाता है, जिसने युईची जातियों के बंटवारे के तुरंत बाद अपने नए वंश कुषाण वंश की नींव रखी। कुषाण साम्राज्य हिंदू कुश बैक्ट्रिया से लेकर पाटलिपुत्र तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी पेशावर और मथुरा हुआ करती थी। कुषाण साम्राज्य जितना भारत में फैला हुआ था, उससे कई अधिक वो भारत के बाहर फैला हुआ था। कुषाण साम्राज्य के सबसे ताकतवर राजा सम्राट कनिष्क थे, जिन्होंने अनेकों युद्धों का नेतृत्व किया, जिससे कुषाण साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले कुषाण साम्राज्य के दौर में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया। कुषाण साम्राज्य के दौर में सम्राट कनिष्क ने चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार स्थापित कर दिया था। हर्ष साम्राज्य। सम्राट हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम सबसे बड़े सम्राट थे, जिन्होंने पंजाब को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया था। हर्ष का साम्राज्य 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। साम्राज्य विस्तार के दौरान हर्ष जब दक्षिण विजय पर निकले तो इनकी सबसे बड़ी टक्कर चालुक्य शासक पुलकेसिन द्वितीय से हुई, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन की हार के साथ ही सम्राट ने दक्षिण विजय का सपना पूरी तरह त्याग दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद, जुड़े रहिए।